हेलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं 14 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो किस भारतीय नौसेना के जहाज़ ने श्रीलंका के साथ दक्षिण पश्चिमी तट पर संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था? वो किया था INS जमुना ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ड्रग नियमों के परिवर्तन के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है? भोपाल में। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने 2 संस्थानों, प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलने की घोषणा की है। संस्थानों का नाम किस पूर्व भारतीय मंत्री के नाम पर किया जाएगा? सुषमा स्वराज। फोर्थ, किस भारतीय मिनिस्टर ने ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया और नई दिल्ली में केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली सुधारों का शुभारंभ किया? जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री। फिफ्थ, प्रसिद्ध होटल श्रृंखला लीला समूह द्वारा निर्मित पटरियों पर 5 सितारा होटल जोड़ने के लिए भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा, वह है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण के अनुसार की क्षय रोग सरकार को राष्ट्रीय सामरिक योजना की शुरुआत के बाद से सूचनाओं के मामले की संख्या से -23.98 लाख 2019 में वृद्धि हुई है 38%। तो टीबी के मामलों में 2017 से 25 के मामलों की संख्या से मतलब 38% जो थी ये वृद्धि हुई है 2017 से। 2017 तक जितना था, जितने मामले थे इसके टीवी के, तो 38%। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने अपने गंगा बैंक के साथ आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक सतत विकास मॉडल के लिए अर्थ गंगा परियोजना की घोषणा की है। केंद्रीय शिपिंग मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। किस भारतीय राज्य सरकार ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा 2020 से पहले प्रश्नों को हल करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। डांग थाई नोक थिन 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं, वो किस राष्ट्र के उपराष्ट्रपति है? वियतनाम। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह HDFC बैंक। 11, किस देश ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी जांच के लिए भारत से आयात किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हैदराबाद और तेलंगाना में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सी ई कॉमर्स कंपनी $1.6 बिलियन का निवेश करेगी? अमेजन वेब सर्विसेज। भारत के वित्त मंत्री के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में देश के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य है $2.9 ट्रिलियन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 2 फरवरी 2020 को न्यू NSIL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वह है जी नारायणन। भारत सरकार ने राजीव बंसल को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? एयर इंडिया। सूर्यकांत मैनक क्रिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अध्यक्ष ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, वो है केयर। जो सूर्यकांत मैनक थे वो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी वो थी केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। 17, अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कर्ल एच जून के साथ बायो एशिया 2020 के जिनोम वैली एक्सलेंस अवार्ड किसने जीता? बसंत नरसिम्हन। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने वर्तमान श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 जीता है? गीता सेन। भारत के राष्ट्रपति ने किस भारतीय नौसेना स्टेशन को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह INS शिवाजी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड जीता है? राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह पी प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष को अध्यक्ष हैं और उनको IAA इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोहिनी शास्त्री जो हाल ही में
समाचार में है वो है ज्योतिषी। कोलकाता में जन्मे हैं। 22 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हॉकी प्लेयर कौन है? मनप्रीत सिंह। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित ड्रग ट्रैफिकिंग संघ के संयोजन पर 2 दिवसीय बिम्स्टेक सम्मेलन किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। एंटी हाइजिक एक्सरसाइज का संचालन नौसेना डोर्नियर विमान INS देवगा के किस भारतीय शहर में आयोजित अपहरण के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा नियंत्रित योजनाओं और प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए एक नकली स्थिति पैदा करने के लिए किया गया है? यह विशाखापट्टनम। तो नासा रोबोट जो मंगल 2020 रोवर मिशन के दौरान मंगल ग्रह के खनिज विज्ञान का अध्ययन करने जा रहा है वह सुपर कैम है। किस देश के वैज्ञानिक ने 2 मास 1155-7919 B नामक बेबी विशाल ग्रह की खोज की है? अमेरिका के। ये की है रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने नए थाना थेरेपिस्टों के 79 मिलियन पुराने जीवाश्म पाए हैं? कनाडा। कृत्रिम तालाब में ब्राजील के वैज्ञानिक द्वारा पाया गया नया रहस्यमय वायरस कौन सा है? यार वायरस। फरवरी 2020 में लद्दाख के साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी करने के लिए कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू एंड कश्मीर। ओलंपिक क्वालिफायर 2020 के लिए IOC बॉक्सिंग टास्क फोर्स रैंकिंग के किस भारतीय मुक्केबाज को नंबर 1 पर रखा गया? अमित पंघाल। 31 राजेंद्र कुमार पचौरी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भारतीय संस्थान के पूर्व महानिदेशक हैं? ऊर्जा और संसाधन संस्थान। तो अब स्टैटिक जी के विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश गोरखपुर। दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान कहाँ है जहाँ वैज्ञानिकों ने एक आइस कोर से जलवायु रिकॉर्ड प्राप्त किया? यह दासुपु। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र धरुवात्रा। NSIL का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। अमेजन के संस्थापक और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? जेफरी प्रेस्टन बेजोस। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी का सचिवालय कहाँ स्थित है? ढाका बांग्लादेश। तो ये हम फिनिश करते हैं 14 फरवरी की हमारे करंट अफेयर्स। थैंक यू।